रोजगार के मुद्दे पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने भी केंद्र व प्रदेश सरकार को घेरते हुए डिग्रियां प्रमाण पत्र जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। शहर के लाल कपड़ा कोठी स्थित जिला कार्यालय पर एकत्र कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल हो रही है, युवा शिक्षा ग्रहण करने के बाद बेरोजगार होकर टहल रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने 30 अंक पत्र प्रमाण पत्र जलाकर प्रदर्शन किया व उन्होंने हाई स्कूल इंटर व स्नातक की डिग्रियां भी जलाई। युवा क्या कर रहा है आज की डेट में, कितनी नौकरियां यूपी सरकार और मोदी सरकार ने दी, कितनों का वादा किया था उन्होंने कि हम, योगी जी ने वादा किया था कि हम इतनी नौकरियां आपको देंगे और मोदी जी ने क्या वादा करके वो आए थे जब सत्ता में आए थे, कितने नौकरी मिल गए जरा उसका कोई लिखा पढ़त हो तो बताइए। जहाँ तक मेरे संज्ञान में है युवा बेरोजगार टहल रहा है, किसान अलग मरा हुआ जा रहा है, तो इसको अगर हम जलाएं ना तो क्या करें। संविदा पर नौकरी को 5 साल के लिए कर दिया गया है, सड़क दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, शिक्षा दीजिए। कोरोना काल में हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ही अब सरकार से ये भी मांग करी थी कि कोरोना चल रहा है कृपया अभिभावकों को राहत दे दीजिए, फीस ना ली जाए, या ली जाए तो कोरोना काल भर की ही फीस ले ली जाए, ट्यूशन फीस ही ले ली जाए, वो भी नहीं सुनी गई। तो हम क्या कहेंगे, हम तो यही कहेंगे सरकार फेल हो रही है, किसको मिल गए भाई। मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं लगता है कि जो युवा कह रहा हो कि हाँ हमको नौकरी मिल गई है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं नौकरी पाया। कम से कम 30 मार्कशीटें जलाई गई हैं, हाई स्कूल था, इंटर था, ग्रेजुएशन था और पोस्ट ग्रेजुएशन था। हम शांतिपूर्वक ढंग से सरकार को जताने का, चेताने का प्रयास करेंगे, बाकी जैसा हमारी पार्टी का दिशा निर्देश ऊपर से आएगा उसी आधार पर हम अपना काम करेंगे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।